आज की ऑडियो वीकेंड स्पेशल होने जा रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस टाइम जिम में मौजूद हूँ और आपके भाई ने जो है जिम ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों जो नई बारबेक्यू मार्केट में आई है दर का मैं आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होने जा रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस टाइम जिम में मौजूद हूँ और आपके भाई ने जो है जिम ज्वाइन कर लिया है। तो फाइनली क्योंकि वेट काफ़ी एक्सीड हो गया था तो हेल्थ का भी ख्याल रखना है और जिम की मेम्बरशिप थी ऑलरेडी उसको यूटिलाइज़ करनी है। तो साल के लिए पूरी मेम्बरशिप ली थी मैंने और वो दो महीने से मैंने फ्रीज़ कराई हुई थी, तो अब लिहाजा टाइम आ गया है उस को फ्रीज़ को अनफ्रीज़ करने का और अब जो है हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अपना गोल अचीव करके रहेंगे। तो जिम से फ्री होता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे, देखते हैं आज क्या हमारा प्लान है, घर जाते हैं क्या स्पेशल बना हुआ है। वीकेंड है, बेगम ने तो स्पेशली कह दिया है कि बाहर से अब कुछ नहीं खाना, तो देखते हैं घर में क्या स्पेशल बना हुआ है। बाकी जो है जिम में मैंने कोई चौथा दिन है, आज चौथा नहीं बल्कि पाँचवा दिन है, और कोई हार्ड कोर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो मशीन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो कार्डियो में फर्स्ट डे ट्रेडमिल, सेकंड डे इलेप्टिकल और थर्ड डे साइकिलिंग, और फिर जो है इलेप्टिकल चौथे दिन किया मैंने, आज पांचवा दिन है तो आज मैं ये ट्रेडमिल चला रहा हूँ। इस तरह फ़िलहाल अभी मैंने कहा एक हफ़्ता कम से कम अपने स्टेमिना को डेवलप करते हैं और उसके बाद जो है जो भी करना है, कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो बाद में देखेंगे। बाकी मैंने अपने जिम का आपको ऑलरेडी ओवरव्यू दे चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, तो ये वही सेम जिम है, वो उस टाइम रेनोवेशन चल रही थी, इस टाइम जो है स्विमिंग पूल वगैरह जो है हर चीज़ रेडी हो गई है। तो दोस्तों जिम से फ्री होकर मैं घर आ गया था, घर आने के बाद फ्रेश होने के बाद डिनर कर लिया था, कुछ स्केड्यूल की वजह से थकान हो गई थी। तो अब जो है हमारे एक प्यारे दोस्त हैं जो यासर भाई, उनकी तरफ से कॉल आई है कि भाई आ जाओ, मार्केट में एक बारबेक्यू ओपन हुआ है जो कि उनके दोस्त ने किया है, तो उसको चल के ट्राई करते हैं और फिर आप अपना जो है रिव्यू फीडबैक भी दीजिएगा। मैंने कहा आ जाए चले चलते हैं, तो यासर भाई आ गए मुझे लेने के लिए, मैं बस उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यासर भाई बारबेक्यू के हमारे बहुत ही शौकीन हैं और ये गाड़ी उनकी खड़ी है। तो दोस्तों जो नई बारबेक्यू मार्केट में आई है दर का मैं आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा एम्बियंस है, तो चलिए साथ मिलकर हम ओवरव्यू लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या उनके पास वैरायटी अवेलेबल है।
नाम टिक्का अल कौसर के नाम से मौजूद है और इसके साथ ही होटल है जहां आपने देखा होगा कि मैंने एक रात आके गुजारी थी जब बिजली की इंटरप्शन हो गई थी। तो मतआम टिक्का अल कौसर बहुत अच्छा एम्बियंस है, फ़िलहाल अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है तो हम अंदर एक्सप्लोर करते हैं और हमने कुछ आइटम्स का जो है ऑलरेडी ऑर्डर भी दिया है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये कैशियर काउंटर है। अच्छा, और ये जो है यहाँ पर हमारी अंगीठी लगी हुई है जहाँ पर बारबेक्यू तैयार हो रहा है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर है। ठीक है समरिया, ये हमने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर प्रिपेयर हो गया है तकरीबन, और बाकी कुछ लग रहा है। हमने कोई फुल फ्लैच ऑर्डर नहीं दिया, जस्ट हमने कहा कि चलें जो वैरायटी है वो टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, हमें किचन में आने का मौका मिल गया है जिसमें यहाँ अंगीठी है, फिलहाल ऑर्डर नहीं है, हम ही आए हुए हैं। एक अभी एक कुछ जो गेस्ट हैं वो यहाँ से होके जा चुके हैं। ये इनकी अंगीठी है और इसमें ये पूरा वैक्यूम का सिस्टम है, और इसके अलावा जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर एक मिनी तंदूर भी लगा हुआ है जहाँ पर ये रोटियाँ बन रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जी अभी नई रोटी लगी है ताज़ी, ये वाली। ये वैसे तो गैस पर है, कोयले नहीं है, है? कोयले नहीं है। एक छोटा सा ओवरव्यू था इस मतआम टिक्का अल कौसर का, तो बाकी जो हमने जो ऑर्डर दिया है वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या ऑर्डर दिया है। जी ये वैरायटी है जो हमने ऑर्डर दी है, जिसमें है सीख कबाब और शीश ताव, बाकी एक टिक्का लेमन है जो कि अभी ऑर्डर वो अभी बाकी है, वो बहरेनी स्टाइल पर वो टिक्का हैगा। बाकी ये इस तरह इंटरवल में लाने का मकसद है कि ताकि अगर आपने ऑर्डर दिया है तो आप लोग आपका जो है हाथ चलता रहे बजाय कि आपका हाथ रुके। तो जब आपका ये कंटिन्यू हो जाएगा, खाना शुरू हो जाएगा, आपका दूसरा ऑर्डर भी आपके पास आ जाएगा। तो हम इंजॉय करते हैं और टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो जी हमने बिस्मिल्लाह कर दिया, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसका सीख कबाब। बिस्मिल्लाह ट्राई करते हैं इसका शीश ताऊक। सीख कबाब बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है, और अभी शीश ताऊक की बारी है, थोड़ा सा हुम्मस लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं, दांतों में से रगड़ने की आवाज आ रही है, मजेदार भाई, मजा आया। हमने जी बोटियों को सीख से निकाल लिया ताकि खाने में आसानी हो जाए। जी हमारे लिए गरम गरम रोटी आई है, यहाँ रख दो यार। अरे ये तो लेमन है, क्या बोला तूने? अब आ गया हमारे पास टिक्का लेमन, इसको भी हम ट्राई करते हैं। इसमें जो है चमनी बोटी भी इसके अंदर बीच में लग रही है कि लगाई गई है, तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो जी अब आ गया है हमारे पास ये टिक्का लेमन। ये हमें अभी पता चला है कि ये जो है बीफ बोटी है बेसिकली, जिसको चीज़ और लेमन एक होता है ड्राइड, एक लेमन होता है उसके जो है पेस्ट से और उसके पाउडर से इसके ऊपर जो है स्पाइसिंग वगैरह किया हुआ, इसको मसाला लगाया हुआ है। तो ट्राई करते हैं जी। तो जी यहाँ पर आकर हमारे पास कोई बात मटन की वैरायटी है, यहाँ पर हमारे पास बीफ की वैरायटी है और चिकन की, साथ में हुमस है और सैलेड है और ताज़ा ताज़ा नान और साथ में पानी और ड्रिंक। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी हमारा बारबेक्यू हो गया फिनिश, और अगर आपने बारबेक्यू कर लिया तो इसके बाद आपको ये ब्लैक टी भी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर खजूर के साथ आप जो है नोश फरमा सकते हैं खाने के फौरन बाद। तो अभी हम अपनी ब्लैक टी इंजॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि जी बाद हमारा प्लान बन गया कि सिग्नेचर होना चाहिए एक मीठा आइसक्रीम या कोई जूस ठंडा, तो हमने कहा कि इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं एक साथ। तो हमने लिया है अपने लिए और अपनी बेगम के लिए सिग्नेचर का जूस, जिसमें आइसक्रीम प्लस दोनों फ्रूट जूस शामिल है। तो दोस्तों सिग्नेचर और बारबेक्यू से फ्री होकर मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूं, और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूं कि नॉर्मली जो सऊदी अरब का जो ईस्टर्न रीजन है, मतलब जो तमाम इर्द गिर्द में जितने हैं जुबैल है खबजी है या इर्द गिर्द में जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग जो है बारबेक्यू खाने के लिए या तो जाते हैं कतीफ़ या तो जाते हैं बहरेन। तो वैसे तो मैं रहता हूँ जुबैल में, जुबैल में बहुत सारी अच्छे रेस्टोरेंट हैं बारबेक्यू, जैसे कि मतआम अल राफ्तेन है, तुर्की है,
ग्रिलो है और इसके अलावा भी बारबेक्यू के रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर नॉर्मली जुबैल के जो लोग हैं वो भी बारबेक्यू के लिए स्पेशली या तो सिहात जाते हैं, कतीफ जाते हैं, या तो फिर दमाम या बहरीन जाते हैं। तो जो आज मुझे पता चला, जो जहाँ मैंने बारबेक्यू आज टेस्ट किया है मतम तिकाल कौसर का, तो उसके जो शेफ़ हैं वो भी कतीफ के हैं। और आपको पता है कि जो बारबेक्यू है कतीफ वगैरह एरिया का वो बहुत ही फेमस है। तो अगर आपको वही कतीफ वाला टेस्ट अगर जुबैल में मिल जाएगा तो आप उसको ज़रूर मिस नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा है, रेट भी मुनासिब है, 6 रियाल की सीख है और जो कतीफ में वो 5.75, जो असयाख जो फेमस बारबेक्यू रेस्टोरेंट है उसकी जो प्राइस है 5.75, इसकी है 6 रियाल। तो अगर आप ट्रैवल को काउंट करेंगे, डिस्टेंस को काउंट करेंगे, टाइमिंग को काउंट करेंगे, भी आपको वर्थ इट है बेसिकली। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टेस्ट था, स्पेशली जो उनका सीख कबाब और जो शीश ताऊक था अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया खा के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो में, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।